हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अपा ने थोड़ा प्लान बनाया है, रात को कुछ प्लान बनाए कहीं जाने का इन नेक्स्ट कुछ दिनों में अगर बनता है तो। लेकिन मैंने कहा उसके लिए गाड़ी नेक्सोन तो चलेगी नहीं भाई, तो फॉर्चुनर को आए हैं थोड़ा तैयार करवाने। अब इसके टायर खिंच गए थे फॉर्चुनर के बहुत ज़्यादा, तो आए हैं एक शॉप पे, यहाँ पे मोहाली में एक शॉप, तो वो करवाते हैं, टायर देखते हैं और अलॉयज भी चेंज करवाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद अगर कहीं निकलना हुआ ना भाई तो इजी हो जाएगा, खड़े पैर हम निकल सकते हैं, क्योंकि जो पुराने टायर थे ना वो यार घिस गए थे, वो शहर शहर में तो चल जाएंगे लेकिन अगर हमने जाना है कहीं हिल्स पे तो नहीं चलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो देखो कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, बस ये सोच लेना एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है भाई, आपको पूरा तैयार है तो बने रहना वीडियो में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे आया हूँ मैं, मोहाली में, ये रही मोहाली में शॉप। और टायर अभी ये डले हैं, ये वाले जो मेरे थे पहले, ये वाले बंद कर देता हूँ पहले। ये देखो ये डले हुए थे पहले, लेकिन ये थे 17 इंच छोटे थे, और अब ये वाले डल रहे हैं, ये उससे बड़े हैं, ये है 18 इंच। सही लग रहे हैं ना? तो चलो बने रहना, अभी और एक कुछ कुछ काम होगा, देख लूंगा मैं, वो दिखा दूंगा भाई। कुछ भी बोलो, गाड़ी की लुक तो आ रही है, यहाँ से थोड़ी सी नीचे लग रही है गाड़ी, वहाँ से उठी उठी सी लग रही है ऊपर ऊपर को ना, तगड़ी लुक आ रही है। चलो अभी तो एक ही हुआ है, फिर देखते हैं। ये ब्लैक था तो अंदर ना सारा ब्लैक पेंट करवा दिया, ये स्प्रे मरवाई है अंदर ब्लैक, जब उतरेगी मैं हमारे भाई ने फिर मार देनी है ब्लैक स्प्रे। मैंने कहा भाई लगा के दिखा दे, अगर अच्छा लगा तो सही है, नहीं तो अपने वाले लगाएंगे देखेंगे। ये सही लग रहा है यार, स्पेस भी अच्छी है इसमें। ओके भाई ये भी अब उतर रहा है ऊपर से, ब्लैक वाले डलेगा भैया। जो अंदर पेंट मारोगे उतरेगा तो नहीं? 2-3 महीने, 6 महीने भाई, 6 महीने तक तो नहीं उतरेगा पेंट अंदर वाला, 6 महीने बाद फिर ये लेके बोतल जी मार देनी है भाई। ये वाला स्प्रे हुआ है ब्लैक कलर का, बाहर नहीं हुआ जो आप बाहर देख रहे हो, इधर नहीं हुआ, अंदर हुआ है जो ये है, इस पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है ये वाला स्प्रे, ऑक्सी प्रीमियम। किसी ने मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, अगर किसी ने बाई चांस करवाना है तो बंदा करवा ले। अब हो रही है ये सफाई इसकी, अब बजेगा स्प्रे। हाँ ऐसे जाती है स्प्रे। अंकित पेंट लिया? पेंट लिया, पेंट मुक गया, मतलब एक टायर वाले पे एक ही बोतल चलती है ना? नहीं, नहीं, ये अच्छा यूज हो रखी थी पहले, दोनों हो गए भाई ब्लैक। सही लग रहा है ना, लुक आ गई अब इसमें, और थोड़े से ऊंचे हो गए और हल्के हल्के भारक हो गए, बस अब इसकी अलाइनमेंट करवा के फिर निकलेंगे। आ गई भाई, सही लग रही है गाड़ी। सही लग रही है, चेक करना ही था भाई, लुक आ गई अब इसकी, थोड़ी सी ऊंची भी होगी भाई, आज सारा टाइम यहीं पे लग गया, अब अलाइनमेंट के लिए आई गाड़ी ऊपर, सारा दिन निकल गया यहाँ पे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस अलाइनमेंट करवा के फिर निकलते हैं। पीछे हो जा। नहीं भाई, लेकिन भाई ने बहुत बढ़िया काम करके दिया यार, अच्छा किया। इन भाई ने किया भाई, क्या नाम है आपका? कौन भाई ने करके दिया भाई काम? बहुत गाड़ी का काम करा है, फॉर्च्यूनर का काम, और भी कोई गाड़ी का काम कराना हो यहाँ पे आओ, कोई बात नहीं, यही करेंगे भाई। 11 फेज मोहाली भाई, मोहाली में है 11 फेज मोहाली जी भाई, बढ़िया गया यार, सच में काम बहुत अच्छा किया भाई ने, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे अलॉय अलॉय हैं, टायर अलॉय, सारा काम होता है, सीट कवर वगैरह सबका, बस अब निकल रहे हैं, पूरी दिहाड़ी यहीं लगी है हमारी। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से, गाड़ी यार बढ़िया बनाने का फायदा था, और ना पुराने टायर ना इससे बेटे अच्छे नहीं, सही से नहीं लगते। तो मैं आ गया था घर पे आज, तो यार सारा दिन ऐसे निकल गया, गाड़ी के टायर चेंज करवाए, वो भी बहुत ज़रूरी थे यार करवाने के लिए, क्योंकि कहते ना गुट्टियाँ जी घिसी हुई थी, और सारा का सारा घिस गए थे टायर, बस वो चेंज करवाए, रिम वगैरह चेंज करवाए उसके, उसके बाद लाइटें भी थोड़ी सी आगे से गंदी हो रखी थी, वो भी साफ़ करवाने के लिए चला गया, तो वो भी अच्छे से बिल्कुल चमक गई, ऐसे लग रहा था भाई जैसे नई लगवा के आया हूँ फॉर्चुनर की लाइटें, बहुत बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब बिल्कुल नई है लाइट्स। तो बस अभी मैं घर आया हूँ, घर आके खाना वगैरह खाया है, एडिटिंग के लिए बैठा हूँ, एडिटिंग करता हूँ और व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहो यार, अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे आपको देखने के लिए, बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स मिलेंगे, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।